अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाना है सकपैता, यानी कि दाल पालक। ये माश की दाल में मैं बना रही हूँ और ये मेरे ननियाल की रेसिपी है। अब वैसे हमारे घर में ये मूंग की दाल में भी बनता है और छिलकों वाले माश में भी हम बना लेते हैं, लेकिन ये कि ये वाली जो रेसिपी है ये टोटली अलग है क्योंकि इसमें बहुत लेस स्पाइसेस जाएंगे। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे बनाया मैंने, मुझे इस दाल को बनाने के लिए शुरू ही गर्म पानी से करना है। इसमें मैं हाफ कप दाल माश धो के, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ था। इसको भिगोइएगा ज़रूर, उसके बाद फिर जो है 15 मिनट के बाद इसको गर्म पानी में डाल के पकाना शुरू करना है। क्योंकि अगर हम ठंडे पानी से दाल पकाना शुरू करते हैं ना, तो एक तो कुकिंग टाइम बढ़ जाता है, दूसरा ये कि ये दाल ना एंड जाती है। तो इसको थोड़ा गर्म पानी से ही ट्रीट करते हैं शुरू से ही। 15 मिनट के बाद देखें, जब ये पानी इसका खुश्क हो गया था, तो मैं इसको हल्के हल्के डोई से घोट रही हूँ, इसलिए कि ये अभी पूरी तरह से गली नहीं है। लेकिन मैं इसको दबा दूंगी ना, तो फिर आगे जाके जब मैं इसमें पानी डालूंगी तो इसका दाना जल्दी फट जाएगा, इसलिए मैंने हल्का हल्का इसको मैश कर लिया इस वक्त। अब मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। अच्छा, डाल दीजिएगा, सिर्फ खाली अदरक डालना है। बाज़ लोग लहसुन अदरक का पेस्ट ही डाल देते हैं तो वो जायका ख़राब कर देगा। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च, नमक अपने हिसाब से, और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून है और लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून है। और अब मैंने ये पालक डालना है इसमें, और ये 2 कप पालक है जो मैंने काट के रखा हुआ था। फौरन फौरन बस अब इसको इस स्टेज पे मिलाना है, और मुझे इसके अंदर अब अगेन गर्म पानी डालना है क्योंकि मैं इसको ठंडे पानी से नहीं डालूंगी। ठंडा पानी डालने से ये जो है ऐड जाएगी, तो ये पालक भी इसी में पकेगा और ये दाल में जो कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इसी की कंसिस्टेंसी हम ये हॉट वाटर जो है अभी मैंने डाला है ये डिसाइड करेगी कि हमने कितना रखना है। इसी वक्त आप देख लीजिए, 15 मिनट इसको बनाना है और मीडियम रखें आँच, इसको अटेंड करें, ये नीचे से चिपकने लगती है। तो बस 15 मिनट के बाद आप देखें, जब आपको ये राइट कंसिस्टेंसी मिल जाए, ये वाली कंसिस्टेंसी जिसमें थोड़ी सी बबलिंग हो रही है, तो मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं काट के। और अब मुझे इसको 2 से 3 मिनट और बनाना है, पकाना है, ताकि इसके अंदर जो ये हरी मिर्चों का जो है वो भी कच्चापन निकले, उसकी खुशबू भी उसके अंदर आ जाए। तो बस अब ये हो गई है हमारी दाल, इस कंसिस्टेंसी में रेडी हो गई है हमारी। अब हमने इसको फ्लेम ऑफ करके इसको एक साइड पे कर दिया। भगार की तैयारी कर लेते हैं। भगार जो है इसमें ज़्यादा जाएगा, इसमें तेल और घी दोनों चीज़ें मैं डालती हूँ, लेकिन अभी मैंने तेल डाला है, ये 1/4 कप तेल है, और एक अच्छी मीडियम प्याज डाल लेके उसको फ्राई के लिए इसमें डाल दें। थोड़ी सी जब ये प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी डाल दूंगी। घी का ये है कि ये सीज़न ऐसा है ना, तो जमने लगता है अगर थोड़ी देर रह जाए, इसलिए तेल के साथ घी मिला के डालो तो कुछ बेहतर रहती है सूरत हाल। अब मैंने इसके अंदर ये देखें घी डाल दिया है, और ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला है भर के। तेल और प्याज दोनों सुनहरा जब हो जाएगी ना, प्याज सुनहरी, तब मैंने इसके अंदर ये हरी मिर्चें डाली हैं 3 और 4-5, ये गोल वाली लाल मिर्चें डाल दी हैं, और उसको फ़ौरन जो है ना ढाँक दें, क्योंकि ये स्पेटल करेगी। अब ये पटकती है, चटकती है तो उड़ती है, तो फिर वो उससे खदशा होता है कि मुंह पे आएगी। अब ये देखें सुनहरा हो गई ये प्याज, तो बस अब ये इसके ऊपर भगार हमारा रेडी हो गया। हमने इसके ऊपर लगा के और इसको ढाँक देना है इमीडिएटली, ताकि इसकी खुशबू इसमें रच बस जाए अच्छे से। और इसको बस 1-2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे उसके बाद, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं जब यकजान हो जाती हैं, फिर हम इसको हिला जुला के 1-2 मिनट के बाद, और बस फिर मुझे इसको अब डिश आउट करना है। बहुत इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, आप ये फुल ऑफ प्रोटीन है ये दाल। फिर हम इसमें जब पालक डालते हैं तो ये आयरन के साथ ये फुल ऑफ न्यूट्रिशियस हो जाती है। इसके ऊपर ये अब मैंने अदरक डाली है, और ये जूलियन कटी हुई ये 1 टीस्पून होगी, और ये चाट मसाला है, ये चाट मसाला 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, ये ऑप्शनल है। मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है दालों में चाट मसाले का, इसलिए मैंने डाल दिया। तो ये विंटर की सौगात है, और विंटर्स में तो यही चीज़ें जो हैं बहुत आपको एनर्जी देती हैं, और चूंकि भूख भी ज़्यादा लगती है तो आप इस तरह की चीज़ें लें तो ये बॉडी में आपके जल्दी आप डाइजेस्ट भी हो जाती हैं ज़ाहिर है, और हमें एनर्जी भी देती हैं। तो आप बनाइएगा इसको ज़रूर, और इस सीज़न में तो ये इस वक्त ब्लेसिंग है कि हम ये चीज़ें ताज़ा पालक वगैरह हमें मिल रहा है और हम इसको बना सकते हैं। तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं दोबारा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।